हर हर गंदे लो भई हो गया। मम्मी और कावड़ उठाने के लिए तैयार। अपनी कावड़ का गंगा जल में स्नान भी कर लिया है। फिर उठाएंगे कावड़ अच्छे से धोने के बाद। देखो कैसे गिरते गिरते बची है बस मम्मी। अभी अपने कावड़ को अच्छे से गंगा जल से साफ कर रहे हैं ताकि फिर इसे उठा ले, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखो ऐसे उठा के चलेंगे। सारी फोटो वीडियो भेज रही अब के बार मम्मी। हर हर गंगे। ये उठाने से पहले अपने कावड़ की सबने पूजा करनी शुरू कर दी है। पंडित जी से करवा रहे हैं पूजा। ये सारे अपने ही हैं, भाई गए हुए, दादी गई हुई है, सारे कावड़ उठाने से पहले कर रहे अपनी कावड़ की पूजा। गंगा जल से गंगा जल हाथ में लेके कर रहे, पंडित जी करवा रहे थे। अच्छे से आरती करने के बाद उसके बाद अपनी अपनी काव उठाएंगे सभी ताकि सब अच्छे से हो जाए। अभी ये करती है आरती अच्छे से पूरी। पंडित जी ने सभी से अपने अपने कावड़ की आरती करवाई है। पंडित जी ने हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शंभु भोलेनाथ की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, शंभु भोलेनाथ की जय हो बाबा, जय हो भोले बाबा की जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभू, हर हर महादेव, शंभू। सभी अपनी कावड़ की आरती कर रहे हैं अच्छे से। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, सारे हाथ में गंगा जल लेके खड़े हैं। दादी मम्मी सारे भाई खड़े हैं। देखो जितने भी गए हुए सारे के सारे, ताकि अपनी कावड़ के अच्छे से कर ले एक बार। पंडित जी के बोलने के बाद इन्होंने गंगा जल कर लिया अपना, माथे के लगा के सिर पे लगा लिया। दोबारा पंडित जी ने गंगा जल दिया। अभी इनकी पूजा चल ही रही है, उसके बाद ही उठाएंगे अपनी अपनी कावड़। सारे भोले लगे हुए हैं, सबके अपने श्रद्धा अनुसार जितना वो उठा सकते चले ये लेके। पंडित जी बता रहे हैं और गंगा जल दे के शुद्धिकरण कर देंगे अच्छे से कावड़ का। कितने अच्छे अच्छे कावड़ लग रही है। शंभु भोलेनाथ की जय हो बाबा भोले की जय हो। ये सारे बम बम भोले बोल के अब चल पड़े अपनी कावड़ों के पास। हो गए इनकी कावड़ों की अच्छे से पूजा सभी की। अब उठाएंगे सारे अपनी अपनी कावड़। जय बाबा भोलेनाथ की जय हो शंभु भोलेनाथ की जय हो। देखो छोटा सा बच्चा भी गया हुआ है, ये होगा 10-12 साल का। मुश्किल से ये हर साल जाता है कावड़ लेने। सारे बस अपने जाने की तैयारी कर रहे। पंडित जी को दक्षिणा दे के कावड़ों के लेके चल पड़ेंगे सारे के सारे। ये सभी की कावड़ है देख लो।
सारी कावड़ अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी और सबसे यूनिक है मम्मी की कावड़। मम्मी हर बारी ऐसे लेके आती है, अब की बार है टोकनी वाली। सारे चल पड़े भाई, तैयारी शुरू कर दी भाई सभी ने अपने अपनी कावड़ों की। ये मम्मी अपनी कावड़ उठा रही, ये सबसे यूनिक है मम्मी की कावड़, देखो कितनी भारी है ये। चल पड़े, पता नहीं मम्मी कैसे उठाएगी, इतना भारी बैग ले रखा ऊपर तक, इतनी भारी कावड़। बाबा जो मुराद मांगन गई है मम्मी पूरी करियो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये इसके बाद दादी उठाएगी, ये दादी ने भी उठा ली। ये सारे चल पड़े कावड़ उठा के, सभी अपनी अपनी मंजिल की तरफ देखो, नए नए तरीके की कावड़ चल रही है भाई। आज के टाइम पे टोकने वाली ज्यादा चली हुई है, सभी टोकने वाली ज्यादा दिख रही है। ये भी देखो सारे टोकने में गंगा जल लेके चल गया, बहुत ज्यादा। ये सभी ने अपनी कावड़ झुला रखी यहाँ पे ताकि किसी की कावड़ खंडित ना हो, सभी की ऐसे ही झुला रखी है पेड़ों के पास। ये सारे रेस्ट करने के लिए बैठे होंगे यहाँ पे। जय हो शंभु भोलेनाथ की, जय हो।